दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट का शिफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हैं, शिफ्ट कोड की जरूरत कब पड़ती है, वो सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत देखते रहिएगा। चैनल पर बने चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पर ऐसे यूट्यूब से एंटिक्स वीडियो मिलते रहते। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। शिफ्ट कोड की जरूरत, जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप वहाँ से अर्निंग करते हैं, तो जो भी आपका जो अर्निंग होता है जो एडसेंस अकाउंट में चला जाता है, तो आप वो एडसेंस अकाउंट का जो अर्निंग है जो आप बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में जब बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो वहाँ पर शिफ्ट कोड मांगा जाता है, जो कि शिफ्ट कोड होता है जो कि ठीक IFSC कोड की तरह से होता है, तो जो कि 8 अंक से 11 अंक का होता है। तो दोस्तों जब भी विदेश यानी फॉरेन से हम भी पैसा यानी लेन देन करते हैं तो उस स्थिति में हमें शिफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है, या आप ब्लॉग यानी वेबसाइट होगा तो वहाँ पर भी जो एडसेंस में जो आप खाता जोड़ेंगे तो वहाँ पर भी शिफ्ट कोड मांगा जाता है, या इस स्थिति में यहाँ पर जो इंस्टाग्राम पर जो रील्स मोनेटाइजर और जो भी बोनस का और फेसबुक स्टार मोनेटाइजेशन और रील्स फेसबुक रील्स बोनस रिल्स का जो मोनेटाइज का फीचर है तो वहाँ पर भी शिफ्ट कोड मांगा जा रहा है। तो वहाँ पर शिफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको शिफ्ट कोड पता करने के लिए आपका जो जहाँ पर खाता खुलाए हैं तो आप वहाँ ब्रांच से भी जाकर पूछ सकते हैं, अगर वहाँ से बताते हैं तो ठीक है वहाँ से आपको ले लेना है। अगर उन लोगों को कभी क्या होता है कि कोई किसी को पता ही नहीं रहता है तो आप बताएंगे कि जो मेरा पैसा है जो कि फॉरेन से आ रहा है यानी कि विदेश से आ रहा है कि मैं इसके थ्रू यूट्यूब से या वेबसाइट से या फेसबुक से, तो सर बताएंगे तो हो सकता है कि आपको दे दे शिफ्ट। अगर नहीं पता है तो आपको देखिए ऑनलाइन भी आप शिफ्ट कोड पता कर सकते हैं जो आपके बैंक अकाउंट का शिफ्ट कोड क्या है। तो उसे कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों, इसे बताने के लिए दोस्तों ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। शिफ्ट कोड को खोजने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दें जो वेबसाइट का है, तो उसको सिंपल से क्लिक करेंगे तो आपको कुछ हिस्से से इंटरफेस दिखेगा, और ऐसा इस इंटरफेस दिखेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू विथ रिकमेंडेड कू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ हिस्से से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर इस तरह स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो नीचे आपको इस तरह से ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर सारा लिखा गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री बैंक सिटी सारा यानी कि कर रहा है, और यहाँ पर जो अपडेट है जो कि यहाँ पर सारा लिखा हुआ आ रहा है। और चलिए तो हम जल्दी से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे कि हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से अपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है आप जिस कंट्री से हैं। तो चलिए मेरा जो कि इंडिया है तो हम यहाँ पर इंडिया जल्दी से खोज लेते हैं, यानी कि आपको खोज लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि हमारा इंडिया यहाँ पर कंट्री जो कि मिल गया यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम इंडिया पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर दूसरे वाले पर्सन क्लिक करते हैं जो आपके बैंक अकाउंट यानी जहाँ जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक सेलेक्ट करना है, जो कि मेरा जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लें जो कि हमारा जो कि मैं बिहार राज्य से जो कि पटना जो कि सिटी है जो कि हमारा, तो वहाँ पर सिटी का जो हमारा मेन ब्रांच है जो कि वहीं पर जो कि मेरा जो बैंक है जो हमारे गांव के बगल में यानी कि शहर में है थोड़ा सा मार्केट साइड में, तो इसका जो मेन ब्रांच है वहाँ का जो कि पटना है। तो चलिए हम जो पटना यहाँ पर जल्दी से खोज लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर खोज लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका जो ब्रांच है जो नहीं मिल पा रहा है तो आपको जो जो आपका जो सिटी है जो आप जो भी आप कह सकते हैं जो कैपिटल है आप वहाँ का सेलेक्ट कर लें, जैसे कि देख सकते जो कि पटना यहाँ पर मिल गया है, जो कि चलिए हम पटना पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक पर करने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा, आपको जैसे ही आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी आपका जो यानी कि शिफ्ट कोड है वहाँ का मिल जाएगा, जैसा देख सकते हैं यहाँ पर जो यही शिफ्ट कोड है जो कि हमारे बैंक का जो कि आप कह सकते हैं शिफ्ट कोड तो यही है। तो जैसे भी उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से डिटेल सारा देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर लिखा रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक का नाम है, और शिफ्ट कोड और इंडिया सारा सिटी यहाँ पर सारा देखने के लिए मिल जाएगा, और ब्रांच व्रांच सब एड्रेस सारा है। आप किसी भी बैंक का शिफ्ट कोड इजीली यहां से पता कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। अगर यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।